हेलो फ्रेंड्स, मैं समय हाल हूँ एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आप लोगों की सेवा में पहले की तरह एक बार फिर से। आज हम सीखने वाले हैं कि नंबर टू से जो एक लड़की की हील होती है, ठीक है, सैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं, उसका स्केच कैसे बनाएंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास वन, ठीक है, टू थ्री फोर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जिन लोगों के पास ड्राइंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स के पास ड्राइंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे जिन बच्चों के पास ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको बेसिक और नंबरिंग नंबर से, ठीक है, ड्राइंग करने के बारे में बताया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग नंबर से स्केचिंग, जो बेसिक स्केचिंग होती है, ठीक है, ड्राइंग होती है, वो सीखते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि नंबर टू से हम सीखने वाले हैं कि नंबर टू से जो लड़की का, ठीक है, सैंडल होता है, हील होती है, उसका स्केच कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल सी पेंसिल है, ठीक है, इसी से आप, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं आपको इसी से, ठीक है, बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रेंड्स क्या बनाऊंगा कि कुछ ऐसे करके हम, ठीक है, नंबर टू का एक आउटलाइन बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और शुरू में आपने जो पेंसिल का जो, ठीक है फ्रेंड्स, जो पेंसिल का जो प्रेशर है, ठीक है, जो दबाव है, ठीक है, वो आपने नॉर्मल सा रखना है। वो इसलिए अगर हमारी जो जो लेंस है, ठीक है, इधर उधर होती है तो रेजर से अगर हम उसको रिमूव करें तो ईजिली वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आपने, ठीक है, नंबर टू का एक आउटलाइन बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, और इसको जहाँ तक ऐसे लेंगे, ठीक है, ये नंबर टू का आउटलाइन बन चुका है, आप इसको जहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि दिखने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर टू का एक आउटलाइन बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे करके हम, ठीक है, लेंस बनाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, इसका जो साइज है, ठीक है, स्पेस है, आपने, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा करते जाना है, ठीक है। तो ये एंड वाला जो पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, हील का, वो बन चुका है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था नंबर टू बनाना, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दूसरा था ये, ठीक है, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बनाना। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे कब डालते हो, ठीक है, थोड़ा सा जहाँ से लेते हुए इसको ऐसे आपने खींच लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, ठीक है, जितना आप इसका साइज रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैं जहाँ पर डॉट देता हूँ तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसे घुमा लेना है, जैसे वी बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे आपने बनानी है, जो इंग्लिश लेटर वी होता है, ठीक है, उसी तरह आपने ऐसे शेप बना लेनी है। जहाँ पर मैं, ठीक है, इंग्लिश लेटर वी की एक छोटी सी शेप, ठीक है, ऐसे करके बना लेता हूँ, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ लेता हूँ, इसको जहाँ से लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पेपर को आपने ऐसे घुमा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जे क्या बन चुका है, ठीक है, इंग्लिश लेटर वी की एक शेप बन चुकी है, जो हमारा तीसरा पार्ट था, ठीक है, और जो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आप इसको और खूबसूरत बना सकते हो। उसके लिए आपने, ठीक है, थोड़ा सा पेपर को ऐसे घुमाना है, ज़्यादा नहीं, सॉरी, तो ऐसे घुमाओगे जहाँ पर आप हल्का सा एक हार्ट का जो, ठीक है, स्मॉल सा, ठीक है, एक आइकन होता है जिसको, ठीक है, वो बना सकते हो कुछ ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हार्ट का, ठीक है, एक आइकन बन चुका है, ठीक है। फिर वापस हम इसको उसी पोजीशन में, ठीक है, कर लेंगे जैसे हम पहले ड्राइंग करते थे। उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ से लेंथ देनी है, जहाँ से लेंथ देंगे, जहाँ से कब डालते हुए, ठीक है, ऐसे हल्का सा कब डालते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि जहाँ से थोड़ा सा कम डालते हुए, ठीक है, ऊपर की तरफ इसके साथ इस लाइन को ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा कम डालते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ठीक है, जहाँ से कम डालते हुए, ठीक है, सीधी लाइन खींचते हुए हम इसको इस लाइन के साथ, ठीक है, जोड़ देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे करते हुए, ठीक है, हम इसके साथ ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना आसान है, एक लड़की का जो सैंडल होता है, हील होती है, उसको उसका जो स्केच बनाना कितना आसान है। मैंने पूरी डिटेल के साथ, ठीक है, आपको समझाया है कि एक लड़की का हील होता है, ठीक है, उसका जो स्केच है हम कैसे बना सकते हैं।
तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने आपको ठीक है बताया है, और अब जो काम बाकी है ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है ठीक है वो मैं मार्कर से करने वाला हूँ दूसरे नंबर पर, जहाँ पर इसको और थोड़ा खूबसूरत कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मैं पिंक जो कलर है ठीक है वो यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके जो स्कूल बैग है ठीक है उसमें ठीक है आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने पिंक कलर भी देना है ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो ठीक है। इसका जो जो हार्ट का जो आइकन है ठीक है उसको हम ठीक है कुछ ऐसे करके ठीक है हम कलर करेंगे ताकि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बाकी का जो काम बचा है ठीक है, ये आउटलाइन है ठीक है, इसको मैं इस मार्कर के जरिए ठीक है डार्क करता हूँ ताकि ये और इस एक बेहतर जो लुक होता है ठीक है जो व्हील का वो नज़र आ जाए। तो इसके मार्कर को अगर आप परचेज करना चाहते हो फ्रेंड्स ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप बाय कर सकते हो। और इसको फ्रेंड्स ठीक है क्या करना है, आप जब भी मार्कर के जरिए अगर आप मार्कर से आउटलाइन बनाते हो ठीक है, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि मार्क को ज़्यादा आपने ठीक है प्रेशराइज नहीं करना ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा कि आपका जो स्केच है फ्रेंड्स ठीक है वो बिगड़ जाएगा, उसकी जो आउटलाइन है फ्रेंड्स ठीक है वो वैसी नहीं निकल कर आएगी जैसी आप ठीक है चाहते हो। तो मैं इसको हल्का सा प्रेशराइज कर रहा हूँ ठीक है, ताकि इसकी जो आउटलाइन है ठीक है वो ख़राब ना हो पाए हील की ठीक है जो हमने बनाई है। तो ऐसे आप भी फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने बहुत ही सिंपल और डिटेल में आपको समझाया है ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है ठीक है, आप कमेंट करें। तो अब हमारा ये आखिरी जो लास्ट काम है ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको अरेंज करेंगे क्योंकि जो पेंसिल की जो लेंस है ठीक है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, और ताकि एक बेहतर लुक नज़र आ सके ठीक। आप देख सकते हो एक हील का ठीक है फ्रेंड्स जो स्केच है ठीक है फ्रेंड्स वो नज़र आ रहा है ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा स्केच बना है, और मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया है कि कैसे हम एक लड़की का जो हील का जो जो आउटलाइन होता है ठीक है, मैं सिर्फ इसको आउटलाइन बोलूँगा क्योंकि मैंने इसको अभी कलर नहीं किया ठीक है। आप कलर भी कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर हम मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बनाकर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप अपने ज़रूर कमेंट करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे कि हम दो नंबर से जो हील होता है लड़की का उसका स्केच या फिर आउटलाइन ठीक है ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इसी समय और इसी चैनल पर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े थे, थैंक यू वेरी मच।